हमारे पिताजी क्या करते, गुरुजी ने प्रसाद दिया था, हमारी माताजी का कोई बच्चा नहीं बचा था, गुरुजी ने, मेरे पिताजी नाम चौधरी चंद्र राम था, तो उसको प्रसाद दिया था, ला भाई ये माताजी को देना, तो हम चार भाई हैं, गुरुजी की दया था ये। तो गुरुजियों की जन्मस्थली पे हम खड़े हैं, क्या कुछ प्रेरणाएँ मिलती हैं उनके जीवन से हमें? गुरुजी की देखिए विशेष तौर पर अगर हम प्राचीन समय से सुनते आ रहे हैं या देखते आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात रही है उन्होंने नारी को पुरुषों के बराबर का अधिकार देने की मुहिम चलाई थी। आज आधुनिक युग में आके भी लोगों की सोच वो नहीं है जो गुरुजी की उस समय में थी। एक समाज सुधारक भी थे, समाज सुधारक थे। समाज सुधार का सबसे बड़ा कारण मैंने बताया कि महिलाओं को, आज भी देखो आप गुरु ब्रह्मानंद जी के आश्रम में महिलाएं जो हैं वो साध्वियाँ ज़्यादा हैं, उन्होंने उस समय उनको एक समान अधिकार से नवाजा और वो मुहिम चलाई, आर्य समाज का, यज्ञ का, हवन का, ये सब उन्होंने उस समय प्रकाश डाला जो आज एक साइंटिफिक पद्धति है एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए। जो हवन और यज्ञ है इससे वातावरण जो का जो है वो शुद्धिकरण होता है। तो गुरुजी एक बड़े साइंटिफिक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने समाज सुधार का काम किया। जब यहाँ स्टार्टिंग हुई तो एक चुबारे में गुरुजी की फ़ोटो रखकर वहाँ काम स्टार्ट किया गया, धीरे धीरे वो वहाँ बिल्डिंगें, पुरानी बिल्डिंगें हटा के मंदिर की खुदाई हुई, खुदाई हुई, मैंने 12 से 1 बजे तक काम किया और जो मंदिर स्टार्ट किया गया उसके क्या साल के थे आप जी इस टाइम मंदिर पर? ये लगभग हम 6वीं 7वीं क्लास में थे जी, ये हैं 93-94 की बातें, लगभग 6वीं 7वीं क्लास में जब से काम शुरू हो रहा है तब तक हम लगे हुए हैं। और जब तक गुरुजी की अंदर ऊपर लास्ट में वो जो झूफड़ी बनी हुई है जिसको झूफड़ी बोलते हैं चौथी मंजिल के ऊपर, उसमें भी हमने खुद अपने हाथों से ईंट नीचे से लेकर ईंटें पहुँचाई हैं। और इससे भी अलग बात अपने, मैं आपको अपने पर्सनल व्यू से बताना चाहता हूँ, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे जो एक जो आप खुद बीती देखे गया है, तो जब मकान को डा रहे थे जैसे पुराना ढांचा था जहाँ स्टार्टिंग में यहाँ मंदिर में फ़ोटो रखी गई थी, उस टाइम में यहाँ पब्लिक ज़्यादा आ गई थी, उस मकान को जल्दी से मिटाया गया, लेकिन उसको उठाने वाले को उठाने में कई दिन लगे। तो उस दौरान एक कुत्ती ने वहाँ बच्चे दे रखे 4-5, तो लगभग 4-5 दिन के बाद जब मतलब वो उठाया गया ना, तो 4-5 दिन के बाद वो बच्चे आँख में धोते बिल्कुल स्वस्थ निकले, कोई बच्चा मरा हुआ नहीं निकला उन बच्चों में से, ये मेरे खुद के देखा हुआ है। और उसके अलावा भी जैसे बचपन था जब, तो इतना था ऊपर चढ़ जाते मंदिर में आके, जब ये गुमटी बनने लगी तो उस टाइम में मैं ऊपर चढ़ रहा था, स्कूल में रह गए, स्कूल का टाइम खत्म होने के ऊपर बिल्कुल चोटी जहाँ गुंबज बना हुआ वहाँ काम बंद हुआ था, मिस्त्री नहीं तो बंद हो रहे थे, लेकिन जो रस्से रुस्से हुआ पैड पुड बंद हुई थी तो उस पर चढ़ जाते थे। तो चढ़ गया था, अचानक एक दिन पता नहीं कैसा क्या हुआ कि गुरुजी की कृपा से आप ऊपर से गिर गए, मेरे को पता ही नहीं लगा कैसे गिरा मैं, तो रास्ते में रस्सा आ गया मेरे हाथ में, तो उससे आते आते मैं चौथी मंजिल पर थोड़ा आराम से खड़े हो गए जाके, लेकिन रस्से की वजह वजन ज़्यादा था, उस टाइम भी मैं 60-65 किलो का वजन का था, कम का था नहीं, तो उस टाइम रस्से से खिंचाई की नहीं तो हाथों की ये बिल्कुल फूलों के वो उतर गया था, मांस उतर गया था, लेकिन बाकी मेरा कहीं फूल तक चोट नहीं आई, ये मेरे खुद की अपना खुद बीती बातें हैं ना, हाँ खुद का अनुभव है बिल्कुल। और आप गुरुजी के हर छोटे तो से बड़े काम में शामिल है, उस पर आपने आँखों का कैंप भी लगाया, ये लोग आए थे, ये तो आज तो लगभग मेरे ख्याल से 400 के आसपास आए, कल भी था, कल 565 के आसपास आए थे, लगभग 17-18, हाँ 2 दिन लगे जी, 22 और 23 का प्रोग्राम था, लगभग आज तो तकरीबन 12 के ही आए जितने भी आए, कल तकरीबन मेरा गांव आ गया था सारा। ओम तत्सत जी। ओम तत्सत जी। जगत क्या कहोगे, गुरु ब्रह्मानंद जीयों की जन्मस्थली है, आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि उनके जीवन के बारे में क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ उनका जीवन रहा था? ओम तत्सत। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जन्मभूमि चुड़माजरा ग्राम की जय हो। ये जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी ये जन्म का स्थान है, यहाँ गुरु जी का जन्म हुआ था। तो जो हमारे महात्मा जगदीशन जी है, यहाँ पधाने में एक मीटिंग रखी हुई थी, वहाँ उसके मन में आया भाई जब राम के लिए तो इतनी दुनिया मर रही मटरी है तो हम अपने गुरु जी लिए क्यों नहीं आए, तो स्वामी जगदीशन जी यहाँ आए, गुरु जी के मंदिर का काम किया। तो हमारे बुजुर्ग बताया करते गुरु जी एक जन्म से ही अवतार थे, भगवान का रूप थे, गुरु जी ने जो कह दिया वो सच हुआ। उस समय लोगों ने कुछ अवतार देखा हो, किस तरह से क्या कुछ चमत्कार जी? उस टाइम लोगों ने अवतार देखा जी, जो गुरु जी कह दिया करते यहाँ आए करते चुड़माजरे में, तो वहाँ जो बात करते वो सच्ची होया करती। तो गुरु जी का भाई था फूल सिंह, उसकी गायें भी आएगी, उन्हें बच्चा नहीं लगाया, तो फूल सिंह बोले ब्रह्मानंद जी बेरा कहाँ भाई आ जाना, अरे बच्चा भूखा मर गया दूध पीलन का। इतने में ही दरवाजे पर आवाज आई ओम, गुरु जी का शब्द था ओम, तो लाइयो आ गए। जब लोग उसको छोटा राम कह करते,
भी छोटा राम आएगा, गाय ने अगली बत्ती लगा लिया, गुरु जी ने दूध निकाल कर दूध पिया, तो बहुत ही चमत्कार दिखाए गुरु जी ने अपने यहाँ चुड़ मात्रे में जी। और खुद हम भी, हमारे पिताजी क्या करते, गुरु जी ने प्रसाद दिया था, हमारी माता जी का कोई बच्चा नहीं बचा था, गुरु जी ने, मेरे पिताजी नाम चौधरी चंदन राम था, तो उसको प्रसाद दिया था, ला भाई ये माता जी को देना, तो हम चार भाई हैं, गुरु जी की दया था जी, तो इतनी छत्र छाया गुरु जी की। जो यहाँ से जा रहे हैं विदेशों हाँ, में वो भी वहाँ भंडारा लगा रहे हैं, भंडारा लगा रहे जी, भंडारा लगा रहे जर्मन है जी, जो कोई से देश भी हो जी, मंदिर बना दिए हैं, भंडारा कर दिया, वहाँ मंदिर बना दिया जी, वहाँ विदेशों में भी। हाँ जी, कौन सा देश था, जर्मन में है जी, जर्मनी में है, हाँ जी स्वामी ब्रह्मानंद जी का मंदिर, अमेरिका में चुड़ मात्रे जो बच्चे जा रहे हैं कुछ और बाहर के बच्चों ने मिलकर वहाँ मंदिर बना दिया है गुरु जी के जन्मदिन, वहाँ प्रशासन से लेके अपने परमिशन वहाँ जन्मदिन मनाते हैं पूरा धूमधाम से, 2023 24 दिसंबर का, 25 का तो किशमिश डे चला, तो 23-24 का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जहाँ भी अपने बच्चे जा रहे हैं जो, तो सभी यहाँ और यहाँ भी पैसा पहुँचाते हैं। ओम तत्सत। ओम तत्सत। क्या कहोगे कि गुरुजियों की जन्म स्थली पे आए हो? खुश है, हमने बड़ी खुशी होती है, और एक बहुत बड़े पर्व की तरह 24 दिसंबर को हमारे जगत गुरु ब्रह्मानंद जी का ये जन्म दिवस मनाया जाता है, बड़ी दुनिया आती है, ये गुरु जी का जो है जन्म स्थल है, यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। ओम तत्सत जी। भाई जी, आप क्या कहोगे कि गुरु जी जो हैं वेदों के ज्ञाता थे, उनके जीवन से, उनकी प्रेरणाओं से क्या कुछ सीखने को मिलता है? उन्होंने हमेशा बचरंगे झंडे का प्रचार करा है, और हमेशा युवाओं को और आम जन को नशे से दूर रहने का जो है उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने बोला है कि नशे से जितना युवा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा जो है अपने समाज के लिए कल्याण करेंगे वो। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मांस मछली इन चीज़ों से उन्होंने बोला है कि इनका विरोध कर रहा है उन्होंने। तीसरा डालडा घी का उन्होंने बोला है कि भाई डालडा घी का जो है अपने घरों में यूज़ नहीं करना। तो इसी प्रकार से जो है जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमेशा समाज को वो राह दिखाई है जो सच्ची है, उन्नति की और तरक्की की और प्रगति की और खुशहाली की है। इसलिए उन्होंने एक संदेश दिया है कि नशा किसी भी प्रकार का हो तो नशे से हमेशा जो है दूरी बना करके रखें, उससे समाज का और खुद का कल्याण होगा, यही उनका जो है इतना जो होता है यही उनका जो है एक आदेश था।